माननीय तीनों कानूनों को अभी जो है ये तीनों कानूनों को अगर ध्यान से देखते हैं तो इसके अंदर न्याय की कल्पना ही नहीं है, दंड देने की बात को ही न्याय माना जाए। हमारे यहां हमारे शास्त्रों में दंड की कल्पना न्याय से उठी। पाश्चात्य विचारों के जो अंग्रेज शासन में लाए गए कानून थे उसमें न्याय का उद्भव दंड में से होता है। हमारे यहां दंड इसलिए दिया जाता है कि जो विक्टिम है, जिसका अहित हुआ है, जिसके अधिकारों की रक्षा नहीं हुए, उसको न्याय मिल पाए इसलिए किसी को दंड देते हैं। और दंड देने का उद्देश्य क्या है? विक्टिम को न्याय देना और वो दंड के माध्यम से और कोई इस तरह की गलती न करे, इस तरह का समाज के अंदर एक एग्जाम्पल प्रस्थापित करने के लिए ये दंड का प्रोविजन है। ये नए जो तीन कानून लेकर मैं आया हूं वो मूल भारतीय न्याय के संहिता के आत्मा को प्रगटीकरण देने वाले कानून है। और साच अर्थ में आजादी के इतने सालों के बाद मान्यवर पहली बार ये तीनों आपराधिक कानूनों का, अपराध की सिस्टम को चलाने वाले कानूनों का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाने वाले कानूनों का पहली बार मानवीयकरण होगा। मान्यवर ये कानूनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये कानून के अंदर आज तक जब तक ये सदन रिपील नहीं करेगा तब तक यूनाइटेड किंगडम की संसद ने बनाया हुआ कानून आज हम हमारे कानून में विद्यमान है। प्रांतीय अधिवेशन वो भी अंग्रेजों के जब हम गुलाम थे तब का शब्द है। क्राउन के प्रतिनिधि का सम्मान, लंदन गजेट, ज्यूरी, लाहौर कोर्ट, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, कॉमनवेल्थ, हर मेजेस्टी सरकार, लंदन गजेट के जिक्र, ब्रिटिश क्राउन का दबदबा, इंग्लैंड के न्यायालय और हर मेजेस्टी रोमानियन और बैरिस्टर शब्द प्रयोग का जिक्र आजादी के बाद भी 75 साल तक होता गया। मोदी जी के इस इनिशिएटिव ने हमारे तीनों कानून को एक गुलामी की मानसिकता और उसके चिन्हों से मुक्त कराया। मान्यवर ये कानून जो बनाए थे, ढेर सारे लोगों ने कहा, कुछ सांसद मुझे पर्सनली भी मिले, वो समझ ही नहीं पाते थे कि फर्क क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये सब आपको समझना है तो सबसे पहले चैप्टर को समझिए। चैप्टर की अनुक्रमणिका देखेंगे तो ही मालूम पड़ जाएगा कि कानून इस देश के नागरिकों के लिए नहीं बने थे, कानून अंग्रेजों की राज की सुरक्षा के लिए। मान्यवर अभी जो कानून हम रिपील करने जा रहे हैं वो कानून में मानव वध और किसी महिला के साथ अत्याचार, उसके पहले सरकारी खजाने को लूटने की सजा, रेलवे की पटरी उखाड़ने की सजा और ब्रिटिश ताज के अपमान की सजा को रखा गया था। मानव वध तो बेचारा 302 नंबर पर बैठा बैठा अपनी राह देख रहा था। सुरक्षा प्रायोरिटी क्या थी? मानव वध नहीं थी, किसी महिला के साथ हुआ दुर्व्यवहार अत्याचार को न्याय दिलाना नहीं था। प्रायोरिटी खजाने की रक्षा था, रेलवे की रक्षा था और ब्रिटिश ताज की सलामती रखना प्रायोरिटी थी। अब ये पूरा का पूरा बदलकर सबसे पहले महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध को अपराध को प्रायोरिटी दी गई है। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले विषयों को प्रायोरिटी दी है, उसके बाद में देश की सीमाओं की सुरक्षा को प्रायोरिटी दी है, उसके बाद में सेना, नौसेना, वायुसेना के संबंधित अपराधों को लिखा गया है, उसके बाद इलेक्ट्रोल अपराधों को लिखा गया है, उसके बाद सिक्के, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टैंप के साथ छेड़खानी को लिया गया है और उसके बाद ब्ला 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 बाकी सारी चीजें आती हैं। तो पहली बार हमारे संविधान का जो स्पिरिट है वो स्पिरिट के हिसाब से कानून अब मोदी जी के नेतृत्व में
बनने जा रहा है। मुझे गौरव है कि तीनों कानूनों को 150 साल के बाद बदलने का और वो बिल को पायलट कर इस सदन में लाने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। मान्यवर, जो कहते थे कि हम नहीं समझते हैं, मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं। मान्यवर, मन का सवाल होता है, भाषा का सवाल नहीं होता है। मन अगर यहाँ का है तो तुरंत समझ में आ जाता है, मन अगर यहाँ का नहीं है तो कभी समझ में नहीं आएगा। मान्यवर, इसमें बहुत सारी चीजों पर हमने थ्रस्ट दिया है। आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानून में नहीं थी। पहली बार मोदी सरकार आतंकवाद को अब व्याख्यायित करने जा रही है, जिससे इसका कोई लूपहोल्स उठाकर आगे फायदा न ले पाए। मान्यवर, इसके साथ साथ राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम किया। पहले राजद्रोह की व्याख्या थी, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। राज से मतलब शासन था, भारत नहीं था। किसी भी राज्यकर्ता के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता था तो इसके पर अपराध राजद्रोह का कानून लग जाता था। हमने व्यक्ति की जगह देश को रखा है। व्यक्ति की टीका ये लोकतंत्र का सबसे अच्छा लक्षण है और देश को नुकसान करने वाले को कभी बख्शना नहीं चाहिए, ये दृढ़ता भी इसमें है। राजद्रोह को इतने साल के बाद देशद्रोह में परिवर्तित करने का काम ये कानून करेगा। माननीय कानून में आज इस सदन के सभी सभासदों को गारंटी देना चाहता हूं कि आने वाले 100 साल के टेक्निकल इनोवेशन जितने भी होंगे, इसकी कल्पना कर हमारी न्यायिक पद्धति को इससे सुसज्ज करने के लिए सारे प्रोविजन इसी कानून के अंदर कर दिए गए हैं और सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर जल्दी न्याय बने, इसके लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मॉब लिंचिंग का प्रावधान भी किया है। एक बार मैं किसी भाषण में चिदंबरम साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की परीक्षा है कि नया कानून लेकर आएंगे तो मॉब लिंचिंग का क्या करेंगे। चिदंबरम साहब, ना आप हमारी पार्टी को समझे हो, ना हमारे सिद्धांतों को समझे हो। हमारी पार्टी की केवल एक और एक आइडियोलॉजी है, भारत का उत्कर्ष, एकमात्र आइडियोलॉजी पर भारतीय जनता पार्टी। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। मगर अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने भी इस देश में 70 साल में 58 साल शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग को भला अब तक क्यों नहीं लाए थे? हम तो जब बदलाव किए तब लाए। मॉब लिंचिंग शब्द का उपयोग हमें गाली बोलने के लिए तो खूब किया, मगर जब सत्ता में आए तब भूल गए। इस प्रकार के व्यवहार को जनता जानती है, इसीलिए उस ओर बैठे हो और उस ओर से भी सदन के बाहर बैठे हो। मान्यवर, ये जो इनका डबल स्टैंडर्ड है, इसके कारण उनकी पार्टी को आज इतनी सारी दिक्कतें उठानी पड़ी है। मान्यवर, पुलिस और नागरिक के अधिकारों के बीच में बहुत अच्छे से इसमें संतुलन साधा गया है। सजा का दर बढ़ाने के लिए हमने ढेर सारे प्रावधान इसके अंदर करे हैं, जिससे सजा करने का प्रतिशत बढ़ेगा। साइबर क्राइम के लिए भी ढेर सारी प्रोविजंस किए हैं और कम्युनिटी सर्विस को भी हम पहली बार इंट्रोड्यूस कर उसको कानूनी जामा पहनाने जा रहे हैं, जिससे जेलों पर के बर्डन को कमी आ जाएगी।